राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कक्षा 1 के छात्रों के लिए कार्यक्रम दादाजी भाग 9। आलेख शेर जंगर का है और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता। दोस्तों जय हिंद। अरे ये क्या हुआ, ये क्या बात है भाई, दादाजी का तो बिल्कुल ही मुंह लटका हुआ है, बड़े उदास उदास से लग रहे हैं। अरे दादाजी, दादाजी कमाल है दोस्तों, दादाजी तो बोलते ही नहीं। अच्छा भाई एक काम करते हैं, मैं तो खिसकता हूं और तुम दादाजी से बात करो। दादाजी आप दोस्तों से ही बातें कीजिए, आप तो मेरे से बात ही नहीं कर रहे हैं। प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, राम राम। राम राम दादाजी। राम राम मेरे बच्चों, राम राम। दादाजी कैसे हो? अरे ठीक ही हूँ। दादाजी असल बात क्या है, इतने उदास से क्यों बैठे हुए हो? अरे भाई क्या बताएं, हमको तुम्हारे पोपटलाल ने बुरा फंसाया। पूछो क्यों? क्यों? अरे इसमें पूछने की क्या बात है, हुआ यूं कि आजकल हर रोज हम तुम्हारे पास चले आते थे, मगर हमारे घर में तो बड़ा हंगामा हो रहा है। पूछो क्यों? अरे इसमें भी क्या पूछने की बात है, अरे हुआ यूं कि आजकल हर रोज हम तुम्हारे पास चले आते हैं, मगर हमारे घर में तो बड़ा हंगामा हो रहा है। पूछो क्यों? अरे इसमें पूछने की क्या बात है, हुआ यूं हमारे सारे पशु और पक्षी हमसे बहुत नाराज हो गए हैं। क्यों दादाजी? ओए होए, ओए होए, अब क्या बताऊं मेरे बच्चों, अब क्या बताऊं। मेरे पशु और पक्षियों को लगने लगा है कि जैसे मैं उनसे अब प्यार ही नहीं करता। जानते हो कल जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा तो दरवाजे पर बैठा कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था, और ऐसे भौंक रहा था जैसे कि कोई घर में चोर घुस रहा हो। मैंने उसे बहुत पुचकारा, समझाया, प्यार किया, पर वो क्यों चुप होता, भौं 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 भौंकता ही रहा। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे मैं घर के अंदर पहुंचा तो घर की हालत देखकर मैं और दंग रह गया। पूछो क्यों? अरे तो इसमें पूछने की क्या बात है, म्याऊं म्याऊं बिल्ली, मैं बकरी और ढेंचूं ढेंचूं गधा, सब के सब मुंह फुलाए हड़ताल पर बैठे हुए थे। अरे सुबह जो मैं उनके खाने के लिए रखाया था वो सब का सब वैसे का वैसा ही रखा हुआ था, ना बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही थी,
ना बकरी मैं मिमिया रही थी और ना ही ढेंचू गदा ही रेंक रहा था। ये क्या हो गया दादाजी? अरे भाई मेरी तो मुसीबत ही हो गई है। पशुओं के ये रुख को देखकर मैं पक्षियों के पास गया तो वो भी मेरी तरफ से मुंह फेर कर बैठ गए। ना कबूतर ने गुटर गूं की, ना मुर्गे ने कुकड़ू कू करके बांग दी, ना गौरैया ने ची ची चू चू की। फिर क्या हुआ दादाजी? ओए होए ओए होए मेरे बच्चों, होना क्या था। फिर मैं अपने टैटे तोते के पास गया तो उसने भी मुझसे अपना मुंह फेर लिया। लगता है आपके पशु पक्षी आपसे कुछ नाराज हैं। हाँ भाई हाँ, यही तो बात है। फिर मैं अपने तबेले में गया तो घोड़ा दुलत्ती मारने लगा। दादाजी लुलत्ती क्या होता है? अरे प्यारे बच्चों, जब घोड़ा लात मारता है तो उसे दुलत्ती ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुलत्ती। हाँ, और जब मैं गाय के पास गया तो वो गुस्से में रंभाने लगी और सींगों से मेरा स्वागत करने लगी। ऐसी क्या बात है दादाजी? ओए होए ओए होए, क्या बताऊं मेरे बच्चों। अरे उस समय तो मैं वहाँ से भागा दुम दबाकर, और जैसे ही मैं भागने लगा तो मेरा चुगलखोर टैटे तोता जोर जोर से हंसने लगा। एक मिनट तो मैं रुका और मैंने सोचा कि भाई तोते से ही पूछ लूं आखिर बात क्या है। मगर बच्चों, उस तोते की लाल लाल आंखें देखकर भाई मेरी हिम्मत नहीं हुई और मैं अपने खेत की ओर चला आया तो सुना मोर को गाते हुए, दादाजी करिए पड़ताल, घर में ये कैसी हड़ताल। अरे मोर की ये बात सुनते ही मैं उसके पास पहुंचा तो जानते हो बच्चों क्या हुआ? वो मोर भी मुझसे मुंह फेर कर नाचने लगा। दादाजी लगता है मोर भी आपसे नाराज हो गया। हाँ भाई, यही तो बात थी। अरे बच्चों, मेरा ये मोर तो मन का बहुत ही खुश मिजाज है, बस हर दम अपनी धुन में नाचता ही रहता है, कभी किसी से झगड़ता नहीं। Chum 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 ch
शतरंगा बहुरंगा मोर, शतरंगा बहुरंगा मोर, सुंदर रंग बिरंगा मोर, सुंदर रंग बिरंगा मोर, शतरंगा बहुरंगा मोर, शतरंगा बहुरंगा मोर, सुंदर रंग बिरंगा मोर, सुंदर रंग बिरंगा मोर, सुंदर रंग बिरंगा मोर, सुंदर रंग बिरंगा मोर, सुंदर। दादाजी सचमुच मोर बड़ा सुंदर होता है। नन्ने मुन्ने बच्चों, ये मेरा सतरंगी बहुरंगी मोर ही था, जो नाचते नाचते दूर खेत के कोने में चला गया, और मैं भी उसके पीछे पीछे चलता ही रहा। और हम बहुत दूर पहुंच गए तो मोर ने धीरे से मुझे बताया कि दादाजी, आप तो पोपटलाल के कहने पर रोज सुबह बच्चों से मिलने चले जाते हैं, और अब हमें लगता है कि आपको हम दोस्तों की जरा सी भी फिक्र नहीं है, इसीलिए तो ये सब पशु पक्षी आपसे रूठ गए हैं। अब आप कुछ दिन इनके साथ रहिए दादाजी, नहीं तो। तो ये बात है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यही बात है। देखो अब मैं तुमसे राम राम करता हूँ, तुम सब तो समझदार हो इसलिए समझ ही जाओगे। अच्छा प्यारे प्यारे नन्ने मुन्ने बच्चों, राम राम। राम राम दादाजी। राम राम दादाजी। राम राम लो भाई, दादाजी तो चले गए, और दोस्तों जोर से कहो जय हिंद।